हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती कि आप सब लोग बहुत स्वस्थ और मस्त हों। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक मंदिर आई हूँ दर्शन करने के लिए, तो उसी का मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो इसको प्लीज़ खूब पसंद करना और खूब शेयर करना, ताकि ये कम से कम 1K तो पहुँच ही जाए। मेरा वॉच टाइम बहुत लो है। तो चलिए हम मंदिर में आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए मंदिर है, यह घंटों वाली माता। यहाँ इतने घंटे चारों तरफ, यहाँ घंटे ही घंटे दिखाई दे रहे हैं। तो हम अभी मंदिर के अंदर पहुँच गए हैं, वहाँ का ये है। अब मैंने पूजा का सामान ले कर, चलिए हम पूजा करेंगे पहले थोड़ा सा, उसके बाद मैं दर्शन करवाऊँगी। तो ये है माता जी, अभी मैं बहुत बड़ी माता है, उनके मैं दर्शन करवाऊँगी आप सब लोगों को। तो मैं सारे पहले छोटे वाले भगवान हैं उनके आशीर्वाद ले लेती हूँ, उसके बाद हम मंदिर के अंदर चलेंगे। और पता है यहाँ बहुत बड़ा एक तालाब है, वहाँ बहुत मछलियाँ हैं, वहाँ फिर हम दाना भी डालेंगे, मछलियों को दाना भी चुगाएंगे जाके। तो ये देखिए यहाँ चारों तरफ जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ घंटे घंटे ही हैं, घंटों वाली माता हैं ये, पिंड दर्शन है ये इनके माता की। तो ये देखिए बजरंग बली का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा है ये कलकत्ता में। तो ये देखिए ये हैं, ये काली माता हैं, ये देखिए ये काली माता का मंदिर है, सारे में घंटे ही घंटे हैं। तो ये चारों तरफ मंदिर के अंदर ये देखिए ये काली माता का मंदिर है, ये देखिए बहुत बड़ी काली माता की विशाल मूर्ति है। मैंने दूर से लिया है ना, क्योंकि पास में यहाँ कैमरा लेके जाने नहीं देते हैं। और ये हैं दुर्गा माता हैं, शेर पर सवार हैं, ये पूरा पीतल की हैं ये। तो हम लोग बैठ गए थक के, सुबह आए थे लेकिन लाइन में खड़े खड़े दोपहर हो गई थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और फिर हम लोग अब जाएंगे पहले अपने उनके यहाँ जो ची मछलियाँ हैं ना उनको दाना खिलाएंगे जाके, फिर इसके बाद हम और जाएंगे बड़ी वाली माता में मंदिर के दर्शन करेंगे जाके दूसरे वाली। इसके साथ में ही और भी मंदिर हैं, फिर बेटी बोल रही ना मुझे पहले जाना है मछलियों के पास जाना है। तो हम मूरी लाई इसको बोलते हैं, हमने ले लिया है एक छोटी सी दुकान से। अब हम तालाब की तरफ जाएंगे मछली को दाना खिलाने के लिए। तो ये मेरी बेटी और उसके डैडी दोनों लोग दाना दे रहे हैं। ये देखिए इस तालाब में बहुत बड़ी मछली है, लेकिन धूप की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पानी भी बहुत गर्म हो गया है ना इस वजह से। लेकिन हमने सारी लाई इसी में डाल दिया है, आके खाएंगी शाम को जब धूप नहीं रहेगी। बहुत गर्मी है यहाँ कलकत्ता में, बारिश होती है लेकिन अभी आज नहीं हुई है। ये देखिए हम लोग ये मंदिर आ गए हैं, इनके ये पिंड दर्शन है ये। इसमें बहुत घंटों लाइन लगा के मैंने दर्शन किए माता जी के। ये देखिए ये पिंड दर्शन, आप सब लोग इनका आशीर्वाद ले लीजिए, ये बहुत इनकी बोलते हैं बहुत मानता है माता जी की। तो ये देखिए हम इनके दर्शन किए हैं और उसके बाद हम जाएंगे और दूसरी जगह दूसरे माता में प्रसाद वसाद सब चढ़ा दिए हैं यहीं पे। ये हैं और ये हैं नागों के देव, ये देखिए भोलेनाथ हैं। ये कहते हैं ना कि ये सांपों का गढ़ है, यहाँ पे वहीं पर आए हैं। ये हनुमान जी का है और ये राधा कृष्ण हैं। और ये देखिए आगे आगे जा रहे हैं मंदिर के, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे अच्छा भी लगता है। सुबह के आए हम लोग, दोपहर हो गई थी। ये शनिदेव हैं, शनिदेव का मंदिर है ये। तो ये शनिदेव महाराज हैं, मतलब सारे भगवान इसके अंदर हैं। ये भी भोलेनाथ की शिवलिंग है और ये हैं शेर हैं। अब हम करके दर्शन वापस जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा रास्ते का व्यू है, कितना सुंदर जंगल हरा भरा है एकदम से। ये अंदर ही है, कैंट के अंदर का ही है। हम लोग आके फिर थोड़ा सा ले लिए थे घर के थोड़ा पास से ही, ये है ये सब। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ एक रास्ते में साइकिल है, वो भी खूब बढ़िया कलर करके लगा दिया है, बहुत अच्छी है। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं रास्ते में। दोस्तों मेरे वीडियो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आज मैं कम से कम 10-15 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो इसको तो कम से कम 1K पहुँचा देना। और देखिए हम लोग पहुँचने ही वाले हैं घर अपने। ये हमारे कैंट के अंदर का ही है व्यू, कितना अच्छा है, कितना साफ़ सुथरा, एकदम शांति है यहाँ, क्योंकि यहाँ बाहर सिविल के लोगों को आने ही नहीं देते हैं, अंदर ही अंदर मतलब फौजी ही रहते हैं। और दोपहर हो गई ना, इस वजह से सब लोग अपने अंदर ही हैं, बाहर कोई है ही नहीं एक कैंट के अंदर कोई। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर लेना जिसने किया नहीं है मेरे चैनल को। फिर मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, बाय।